This channel does not promote or encourage any illegal activities. All content provided by this channel is meant for educational purposes only. तो यहां पर आप देखें जो हमारी रैम है जो मेमोरी है वो यहां पर शो कर दी जाएगी। ये देखें आप 60 GB यहां पर दिखा रहा है आपके सामने है, ठीक है। तो यहां पर देखें आपके सामने कनेक्टिंग हो गई है। जैसे कनेक्ट हुआ है तो देखें आपका जो ब्राउजर है वो पीछे रनिंग में था, मतलब कि यहां पर देखें वो जो टाइमर हमने लगाया हुआ था वो 4 मिनट गुजर चुके हैं। आपके सामने देखें आपकी RDP बंद थी, आपका ब्राउजर बंद था, फिर भी बैकग्राउंड पर आपकी जो RDP है जो आपने उसमें चलाकर छोड़ा हुआ था वो सक्सेसफुली चल रहा था। मतलब कि आपने अगर कोई वीडियो चलाकर छोड़ दी वो पीछे चलती रहेगी, बेशक आपने यहाँ से अपना जो ब्राउजर है उसको बंद भी कर दिया। ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी, तकरीबन 3.5 GB तक यहाँ पर आपका जो इंटरनेट स्पीड है वो पहुंच चुकी है। ये 5 GB क्लेम करते हैं, 5 GB का आपको इसमें फ्री इंटरनेट देखने को मिलता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप एक ऐसी फ्री RDP बनाना चाहते हो जिसको आप फ्री में क्रिएट करें, क्रिएट करने के बाद आप उसको यूज करें और अपना काम लगाकर आप उस ब्राउजर वगैरह को बंद कर दें, मतलब के उस RDP को बंद कर दें, फिर थोड़ी देर के बाद आप उसको ओपन करें, आपकी वो फ्री RDP वहीं से ओपन हो जहां से आपने उसको छोड़ा था, मतलब के जो जो चीजें आपने उसके अंदर चलाई हुई हैं वो बैकग्राउंड पर चलती रहें। अगर आप ऐसी फ्री RDP बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपने आखिर तक लाजमी देखनी है। आज मैं आपको एक ऐसी जबरदस्त फ्री RDP बनाना सिखाऊंगा जिसमें आपको 60 या 62 GB रैम मिलती है और 200 GB की स्टोरेज मिलती है, और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट RDP होगी, विदाउट क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड की होगी, और इस RDP को आप लाइफ टाइम के लिए यूज कर पाओगे। इंटरनेट की बात करें तो आपको कम से कम आपको इस फ्री RDP में 5 GB का इंटरनेट मिलेगा जो कि इंतहाई तेज स्पीड है, जो मैं आपको अभी आगे चल के चेक भी करवाऊंगा। आज हमारी फ्री RDP सीरीज की चौथी वीडियो है जिसमें मैं आपको एक और फ्री RDP क्रिएट करना सिखाऊंगा। इससे पहले वाली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। इससे पहले वाली वीडियो ये है जिसमें मैंने आपको 32 GB रैम वाली फ्री RDP क्रिएट करना सिखाई है विद एडमिन एक्सेस। उसके अलावा उससे पहले ये वाली करने सिखाई थी जिसमें आपको 16 GB रैम मिली थी और एक कस्टम RDP विंडो सर्वर वाली, ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट RDP है, ये भी आप जाके लाजमी से देखें। और उसके अलावा ये वाली भी RDP मैंने आपको क्रिएट करना सिखाई थी जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये वाली जो RDP है ये बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर की तरह की है, लेकिन है ये क्विक लैब की, गूगल क्लाउड की, बड़ी कमाल की, आप जाकर ये वीडियो देख सकते हो। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखने को मिलता है। हमारे चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो उनसे 400 सब्सक्राइबर रह गए हैं 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने में वो जल्द से जल्द हम कंप्लीट कर लें और एक और माइलस्टोन हम अचीव कर लें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी से इस वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट भी आपने करना अगर आपको इस वीडियो से कुछ फायदा होता है। अब टाइम नहीं वेस्ट करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, मैं चुका हूँ अपने PC में। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपना कोई सा ब्राउजर ओपन करना है। आपने ब्राउजर वो वाला ओपन करना है जिसमें आपका Gmail का अकाउंट लॉगिन हो। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो मेरा जो अकाउंट है वो लॉगिन है इस ब्राउजर में। उसके बाद आपने सर्च बार में आके सर्च करना है, गूगल में नहीं करना, ऊपर सर्च बार में आपने आकर लिखना है id.google.com। यहाँ पर आपने खुद टाइप करना है, उसके बाद आपने एंटर पर क्लिक करना है तो आप आ जाओगे इस वेबसाइट पर, ठीक है। ये सिंपल सा इस वेबसाइट का इंटरफेस है। अब यहाँ पर देखें आपका जो Gmail अकाउंट है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद इन दोनों को आप अनचेक करना चाहें तो वो भी कर सकते हो, मैं यहाँ पर अनचेक नहीं कर रहा। उसके बाद आपने सिंपल कंफर्म पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर कंफर्म पर क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब आपने फ्री में RDP कैसे बनानी है जिसमें आपको 62 GB तक की रैम फ्री मिले और आपको 200 GB की स्टोरेज मिले। आपने यहाँ पर देखें आपको ये A का ऑप्शन मिलेगा, एंड्रॉइड स्टूडियो क्लाउड। आपने सिंपल इस पर एक बार क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपना कोई नेम दे देना है, जैसे कि मैं कुछ दे देता हूँ। यहाँ पर मैंने अपने वर्क स्पेस का नाम दे दिया लर्निंग। उसके बाद सिंपल मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कर दूंगा, दैट्स इट। अब आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर आपका जो क्लाउड सर्वर है, जो आपकी RDP है वो सेटअप होना शुरू हो जाएगी। अभी आपके सामने वो लॉगिन भी होगी, मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। आपने जस्ट वेट करना, यहाँ पर आपने कुछ भी छेड़खानी नहीं लेनी। अब यहाँ पर आपने जस्ट वेट करना है, हो सकता है यहाँ पर आपको येलो कलर का कोई एरर सा भी देखने को मिले तो आपने परेशान नहीं होना, आपने इसको 1 से 2 मिनट देने। अभी देखिए ये फर्स्ट टाइम तो बिल्कुल भी इसने कोई इशू नहीं, आपके सामने ये लॉगिन हो गई है। हो सकता है आपको वहां पर जो लोडिंग हो रही थी वहां पर आपको कोई एरर देखने को मिले, आपने कुछ भी वहां पर छेड़खानी नहीं लेनी, ये ऑटोमेटिकली आपके सामने इस तरह करके लॉगिन हो जाएगा। जैसे ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो हो आपने यहां पर सिंपल डोंट सेंड पर क्लिक करना है।
उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ ताकि किसी भी किस्म के आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब आपने यहाँ पर अलाउ कर देना पहले तो, उसके बाद आपने ये देखे बॉटम नेगेटिव, इस पर आपने आना है नेविगेशन सॉरी, इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट पर आना है। नेक्स्ट पर आप जैसे आओगे यहाँ पर आपने इसको फिनिश कर देना है। अब आपने यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, जैसे आपकी यहाँ पर जनरेटिंग सोर्सेज कंप्लीट हो जाएं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा, तो आपने तब तक थोड़ा वेट करना है। अब आप क्या करोगे, जब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाए आपने सिंपल इसको क्लोज कर देना है, क्रॉस पर क्लिक करके आपने एग्जिट करना है, उसके बाद आपने यहाँ पर इसको टर्मिनेट कर देना, ठीक है। दैट्स इट, अब आपके सामने आपकी जो RDP है वो ओपन हो चुकी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, डॉट पर आकर आपने क्लिक करना है और यहाँ से इसको फुल स्क्रीन कर लेना है। जैसे आप फुल स्क्रीन कर लें, अब आपने क्या करना है, अपने डिस्प्ले पर आकर आपने माउस से राइट क्लिक करना है और आपने डिस्प्ले यहाँ पर देखें चेंज बैकग्राउंड है, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप चेंज बैकग्राउंड पर क्लिक करोगे आपके सामने इस फ्री RDP के जो बैकग्राउंड है वो शो कर दिए जाएंगे। अब आप मर्जी के हिसाब से कोई सा भी बैकग्राउंड आप सेट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने डिस्प्ले पर आना है। डिस्प्ले पर आने के बाद आप यहाँ पर इसकी सेटिंग जो है उसको भी चेंज कर सकते हो, अपना डिस्प्ले अपनी मर्जी के हिसाब से उसको सेट कर सकते हो अपनी LED के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैं इसको फुल HD के अंदर रखूंगा, तो मैं इसको यहाँ पर इस पर क्लिक करके सिंपल अप्लाई पर क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर हम कीप चेंजेस पर क्लिक करेंगे और आप देख पा रहे हो जो हमारी रेजोल्यूशन है वो फुल HD क्वालिटी में शिफ्ट हो गई है। अब यहाँ से इसको हम बंद कर देंगे। अब इसके अंदर हमने इंटरनेट कैसे यूज करना है और ब्राउजिंग वगैरह कैसे करनी है और स्टोरी हमें इसमें कितनी मिली है, तो वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। सबसे पहले हम इस पर क्लिक करके इसको साइड पर कर देंगे। अब यहाँ पर देखें आपके सामने प्लेन डिस्प्ले शो हो रहा है, आपको कुछ भी यहाँ पर ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहे। तो इसका जो मेन्यू है वो कहाँ से खुलेगा, आपने यहाँ ऊपर की साइड पर आना है अपने माउस को लेकर, आपने यहाँ पर आकर एक बार क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखें आपके सामने आपका जो बार है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको हम नीचे लेके थोड़ा नीचे की तरफ लेकर आते हैं और यहाँ पर देखें, देखें शो एप्स का ऑप्शन मिलेगा, उसके अलावा आपको यहाँ पर फाइल्स का ऑप्शन मिलेगा। आपने पहले तो फाइल्स में आना है, यहाँ पर आकर मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ठीक है। ये आ गया आपके फाइल्स, आपने यहाँ पर राइट क्लिक करना है SDK पर और यहाँ से आपने इसकी प्रॉपर्टीज में आ जाना है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपको इस फ्री RDP में 200 GB की स्टोरेज मिलती है, तो यहाँ पर आप लोगों के सामने देखें आपकी पूरी स्टोरेज खाली है और नीचे ये देखें इसकी जो टोटल क्वांटिटी है वो 210 GB है, ठीक है। 200 GB प्लस आपको है, आप जो मर्जी इसके अंदर डाउनलोड करें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसको यहाँ से हम बंद कर देते हैं। अब आपने ब्राउजिंग कैसे करनी है, सबसे पहले आपने इधर आकर क्लिक करना है, इसको थोड़ा नीचे ले आएंगे और यहाँ से आपने शो एप्स पर आ जाना है। अब पहले मैं आपको रैम चेक करवा देता हूँ, आपने टर्मिनल में आना है यहाँ पर आकर। जैसे आप टर्मिनल में आओगे, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, बल्कि मैं क्या करता हूँ इसका डिस्प्ले चेंज कर देता हूँ क्योंकि ये जरा बड़ा हो रहा है। तो यहाँ से हम डिस्प्ले सेटिंग भी आएंगे, यहाँ से हम इसको 1920x1080p पर शिफ्ट कर देंगे, अप्लाई करेंगे, होप सो कि अब ये फिट हो जाएगा। जी हाँ, अब ये फिट हो गया। अब हम आएंगे अपने यहाँ पर सर्च बार में सॉरी इसके मेन्यू बार में और यहाँ पर क्लिक करेंगे शो एप्स पे, टर्मिनल में आएंगे, ये आपके सामने टर्मिनल है। अब यहाँ पर लिखना क्या है, आपने यहाँ पर लिखना है फ्री और स्पेस देनी है। उसके बाद आपने अपने कीबोर्ड पर जो ऊपर गिनती लिखी हुई है ना, 9 के बाद 0 है, 0 के बाद एक और इसको पता नहीं अब क्या कहते हैं, ये छोटी सी लाइन होती है, आप इस पर क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर आपने लिखना है H और सिंपल आपने एंटर पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपकी कितनी स्टोरी है यहाँ पर। और अब बात कर लेते हैं रैम वगैरह की, तो आपने फिर यहाँ पर फ्री लिखना है, स्पेस देनी है, 0 के साथ वाला बटन दबाना है और आपने यहाँ पर M लिख देना यानी कि मेमोरी। तो यहाँ पर हम एंटर करेंगे, तो यहाँ पर आप देखें जो हमारी रैम है जो मेमोरी है वो यहाँ पर शो कर दी जाएगी। ये देखें आप 60 GB यहाँ पर दिखा रहा है आपके सामने है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको रैम भी दिखा दी। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर हम इंटरनेट वगैरह कैसे यूज करेंगे। इंटरनेट को यूज करने के लिए आपने फिर यहाँ पर क्लिक करना है आकर और यहाँ से आपने इसके जो इसका मेन्यू इस पर आना है और यहाँ पर आपको प्री इंस्टॉल क्रोम ब्राउजर मिल जाएगा, आपने सिंपल इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने इसको क्या करना है, ओके पर क्लिक करना है और आपके सामने जो आपका क्रोम है वो सेटअप हो जाएगा। यहाँ पर हम डोंट साइन इन पर क्लिक करेंगे और आपका जो ब्राउजर है वो आपके सामने रेडी टू यूज है। सबसे पहले मैं आपको इसकी लोकेशन वगैरह चेक करवा देता हूँ, तो सिंपल हम सर्च करेंगे, यहाँ पर मैंने टाइप कर लिया माई IP एड्रेस लोकेशन, सिंपल इसको हम एक बार सर्च करेंगे। अब आपने यूरोप की तो बहुत बार यूज की होंगी ये फ्री RDPs, ठीक है। यहाँ पर लिखा रहा है चेंज टू इंग्लिश, लेकिन आपको मैं अब चाइनीज RDP क्रिएट करना सिखा रहा हूँ, मतलब कि इसमें आपको ज्यादातर ताइवान चाइना वगैरह की लोकेशन मिलती है। तो यहाँ पर हम इसको न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर देखें आप जो आपकी लोकेशन है, जो आपकी सिटी है, अब ये मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आएगा, पता नहीं क्या है, लेकिन जो कंट्री है वो ताइवान है, ये सिटी भी ताइवान की है कोई टाइपाई नाम की और ये रीजन भी टाइपाई नाम का है, तो ये मतलब के ताइवान की फ्री RDP है, इसमें आपको ताइवान की लोकेशन मिलती है। इसको यहाँ से हम बंद कर देते हैं। इंटरनेट स्पीड चेक करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर स्पीड टेस्ट सर्च करेंगे।
और इस फर्स्ट वेबसाइट को हम क्या करेंगे, न्यू टैब में ओपन कर लेंगे। अभी आपको मैंने इस फ्री आरडीपी की बड़ी कमाल की चीज दिखानी है, उससे आपको ये आरडीपी बहुत पसंद आएगी। ये वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है वो कर रहा है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। तो इसका इंटरनेट भाई आपको हमेशा तेज ही मिलता है, इस हवाले से आप बेफिक्र रहे। आपने सिंपल गो पर क्लिक करना है। जैसे आप गो पर क्लिक करोगे, यहाँ से मैं इसको अलाउ कर देता हूँ, देखें ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी तकरीबन 3.5 GB तक। यहाँ पर आपका जो इंटरनेट स्पीड है वो पहुंच चुकी है। ये 5 GB क्लेम करते हैं, 5 GB का आपको इसमें फ्री इंटरनेट देखने को मिलता है। ये 4 GB तक तो पहुंच गई है, लेकिन ये अभी देखिए बढ़ रही थी। ये तकरीबन आपको 5 GB का इंटरनेट प्रोवाइड करता है, जो कि काफी ज्यादा फास्ट स्पीड है। तो यहाँ से हम इसको बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर मेन चीज आ जाती है हमारी यूट्यूब, ठीक है, वो मैं आपको चलाकर दिखा देता हूँ। सिंपल हम यूट्यूब सर्च करते हैं, YouTube मैंने सर्च कर लिया। सिंपल यहाँ पर इसको हम न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ सर्च कर लेंगे, YouTube में आकर 4K वीडियो में सर्च करूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने 4K कॉपीराइट फ्री वीडियो सर्च कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसको न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं, देखते हैं कि 4K में ये वीडियो चल सकती है या नहीं चल सकती। तो यहाँ पर तो फिलहाल स्पीड स्लो है, और यहाँ से अब हम इसको क्या करेंगे, 4K पर ले जाएंगे। प्ले करते हैं इसको, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कितनी स्मूथली हमारी वीडियो चल रही है, वो भी 4K स्पीड में, ठीक है। इसको यहाँ से मैं आगे भी ले जाऊंगा, देखते हैं कितना बफरिंग करती है। ज्यादा इसने टाइम नहीं लिया बफरिंग में, बिल्कुल स्मूथली चल रही है वीडियो, ना तो ये हैंग हो रही है और ना ही कोई और प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर आपका ये यूट्यूब भी चल गया। अब मैं आपको मजे की एक चीज दिखाता हूँ इस फ्री आरडीपी की। आपने इस आरडीपी में वीडियो चला दी, आपने कोई 10-12 टैब खोल के इसमें यूट्यूब वीडियो चलाकर छोड़ दी, उसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज सर्च करके दिखाता हूँ, स्टॉप वॉच, STOP। यहाँ पर मैंने स्टॉप वॉच सर्च कर लिया। हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर इस फर्स्ट वेबसाइट को न्यू टैब में ओपन कर लेंगे, ठीक है। अभी आपको दिखाने के लिए कि इस फ्री आरडीपी में आपको कैसी कमाल की चीज मिलती है, थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर स्टॉप वॉच पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसका काउंटडाउन स्टार्ट कर देंगे। अब आपने एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर देखें काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है हमारा। अब फॉर एग्जांपल आपने इस तरह ही ना कोई 10-15 वीडियो चलाकर आपने छोड़ दी यूट्यूब में। अब आपने क्या किया, सबसे पहले तो इसको हमने यहाँ से छोटा कर दिया, ठीक है। ये हमारा मेन ब्राउजर आ गया ऊपर, और ये इसके अंदर आरडीपी आ गई। इसमें आप न्यू टैब वगैरह भी ओपन करें और देखें ये आरडीपी अभी भी सक्सेसफुली चल रही है। और यहाँ से हम इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं, और इसको वापस लाने के लिए आप दोबारा यहाँ पर मेन्यू में जाएंगे और आपके सामने आपका जो ब्राउजर है वो शो हो जाएगा। आप इसको बड़ा करके यहाँ से इसको कट कर दें, ठीक है। ये देखिए हमारा जो काउंटडाउन है वो कंटिन्यूअसली चल रहा है। अब आपने इसको यूज किया, आपने अपना काम लगाकर छोड़ दिया, ठीक है। आपसे क्या हुआ, आपसे यहाँ पर आपका जो मेन ब्राउजर है जिसमें आपने ये फ्री आरडीपी क्रिएट की थी वो ही ऐसे करके बंद हो गया, ठीक है। अब आप परेशान होंगे कि आपकी तो आरडीपी बंद हो गई है। अब यहाँ पर आप टाइम नोट करें, 6:18 हो रहे हैं, ठीक है। ये देखें आपके सामने यहाँ पर टाइम शो हो रहा है, 6:18 हो रहे हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जरा मजीद 2 मिनट गुजरने दूंगा और मेरा यहाँ पर जो ब्राउजर है आरडीपी वाला वो बंद हो चुका है, और उसमें जो काउंट डाउन है वो चल रहा होगा, वो मैं आपको भी चेक करवाता हूँ। 18 मिनट से 19 मिनट हो गए, 1-2 मिनट और गुजरने देते हैं, 1-2 मिनट गुजर जाए उसके बाद फिर मैं आपको मिलता हूँ। ऑलराइट, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो 6:21 हो गए, यानी कि 2-3 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने ब्राउजर को अगेन ओपन करेंगे। तो मैं यहाँ से अपना जो ब्राउजर है उसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये वाला मेरा ब्राउजर था, अब मैं अगेन उसको सर्च कर लूंगा अपनी वेबसाइट को। यहाँ पर आपके सामने मैंने उसको सर्च कर लिया। अब देखें यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, ये देखें, ठीक है। ये देखें यहाँ पर 11 मिनट हुए थे हमें इसको एक्सेस किए हुए, तो यहाँ पर ही आपकी फ्री आरडीपी जो है वो इस तरह करके आपका जो वर्क स्पेस है यहाँ पर शो हो जाएगा, मतलब कि आपकी एक आरडीपी बनी हुई है। आपने सिंपल इस पर एक बार क्लिक करना है। जैसे आप इस पर एक बार क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखें आपके सामने कनेक्टिंग हो गई है। जैसे कनेक्ट हुआ है तो देखें आपका जो ब्राउजर है वो पीछे रनिंग में था, मतलब कि यहाँ पर देखें वो जो टाइमर लगाया हुआ था वो 4 मिनट गुजर चुके हैं। आपके सामने देखें आपकी आरडीपी बंद थी, आपका ब्राउजर बंद था, फिर भी बैकग्राउंड पर आपकी जो आरडीपी है जो आपने उसमें चलाकर छोड़ा हुआ था वो सक्सेसफुली चल रहा था। मतलब कि आपने अगर कोई वीडियो चलाकर छोड़ दी वो पीछे चलती रहेगी, बेशक आपने यहाँ से अपना जो ब्राउजर है उसको बंद भी कर दिया। अगेन आप अपने ब्राउजर को सिंपल ओपन करोगे, अगेन आकर सर्च करोगे और उसको वहाँ से आपने सिंपल एक्सेस करके कनेक्ट करना है और आपकी आरडीपी वहीं से ओपन हो जाएगी। अगेन यहाँ पर देखें मैं अगेन क्लिक कर रहा हूँ और हमारी जो वो वहीं से ओपन होगी। देखिए हमारा ब्राउजर ओपन है, इसको मैं यहाँ से इसको मिनिमाइज भी कर सकता हूँ, और अगेन ओपन करने के लिए हम यहाँ पर मेन्यू में जाएंगे और इसको ओपन कर लेंगे। अब इसी तरह आप यूट्यूब की वीडियोस वगैरह चलाकर छोड़ सकते हो, जो भी आप अपना काम करना चाहो वो इसके अंदर बिल्कुल इजीली कर सकते हो। तो ये इस आरडीपी की बड़ी कमाल की चीज थी। अब बात कर लेते हैं इसके टाइम ड्यूरेशन की, ये कितने लॉन्ग टाइम तक चलेगी। तो भाई मैंने सुबह इसको तकरीबन 2 घंटे तक कंटिन्यूसली यूज किया, ये बिल्कुल भी बंद नहीं हुई। तो आप इससे भी ज्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए इसको
यूज कर पाओगे। अब फॉर एग्जाम्पल आपकी बंद भी हो जाए, आप अगेन इसको क्रिएट कर सकते हो या आप इसको वहीं से ही कंटिन्यू कर सकते हो। बाकी मैंने आपको मेन चीज इसकी दिखा दी है कि आप इसको बंद भी कर दो तो ये आपकी बैकग्राउंड पर चलती रहेगी। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। कुछ भी सीखने को मिला है जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें। आज मैं इस वीडियो पर लाइक का एम रख रहा हूँ, 200 लाइक्स आपने करवाने हैं, जल्दी से करवा दें। 10,000 हमारे सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं, जस्ट 400 रह गए हैं यार, जल्दी से करवा दो। आप लोगों के लिए कौन सा मुश्किल है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में न्यू मेथड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।